स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में मिल जाने वाली है, दिखने जाने वाली है। जैसे कि यहां पर आप निर्देश देख पा रहे होंगे, ये सारा निर्देश आप लोग को बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ने का इच्छा है तो। देखिए, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को साथ साथ में बता दे जाऊंगा। अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक स्क्रीन में आ चुकी है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शहरों में किस में भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो आप यानी भारतीय रेल मंडल का जो मुख्यालय तो कहाँ है? तो एक नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसलिए अच्छी तरीके से देखना है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, तीन नंबर, कह रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीन नंबर का, जो तीन नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, और नालिका अपरदन हो जाएगा। ठीक है, और नालिका अपरदन। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और आप जो है गूगल में अगर आप लोग लिखेगा bbphelp.com लिखेंगे तो आप लोग को सारा जो है यहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर चार को देखिए, क्या बता रहा है, ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। तो ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है? तो चार नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी नौ निश्चयवाद से ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर आ रहा है अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या बोला जा रहा है, कि इनमें से कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है? तो उत्तर भारतीय शहर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर पाँच नंबर का राइट आंसर क्या, डी नंबर, अहमदानगर जो है ये क्या है, ये उत्तर भारतीय का शहर नहीं है। ठीक है, चलिए अहमदनगर। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, छः नंबर, कह रहा है कि अरेबिका एक किस्म है। तो अरेबिका एक किस्म किसका है? तो यहाँ पर छः नंबर का राइट आंसर क्या, डी नंबर, यानी कॉफ़ी का किस्म है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि बीबीपी हेल्प लिखना है गूगल में, और आपको सारा चीज़ यहाँ से यही पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर सात क्या बोला जा रहा है, पर्वत पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? तो सात नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी सीरीनुमा पाई जाती है। बहुत बढ़िया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बिहार बोर्ड का बिल्कुल ये यही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आप लोग को अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को देखने हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, आठ नंबर क्या हो जा रहा है, निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो आठ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, भोपाल राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, नौ नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका नौ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय। अगर आप लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से पूरी तरीके से आप लोग को जो है तैयारी कराई जाती है आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर, सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, दस नंबर का देखिए, दस नंबर का बी नंबर, पंजाब जो सर्वाधिक क्या है, गेहूं का उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या, ग्यारह नंबर बोला जा रहा है, जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर क्या है, डी नंबर, यानी झारखंड जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या करता है, यानी लौह इस्पात और संयंत्र जो है झारखंड में मिलता है। ठीक है, चलिए यानी स्थित है ये। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक है? तो यहाँ पर राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी बेरोजगारी या क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जकार्ता जो है ये क्या है, यानी आसियान का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी निर्वाचन भूगोल हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन भूगोल। अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो 15 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, नहीं प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें कौन आयु वर्ग
कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर क्या, बी नंबर हो जाएगा, यानी 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 15 से 59 वर्ष। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटी थी। तो इसका राइट आंसर क्या, 17 नंबर का, 17 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 134 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 18 नंबर, बॉक्साइट एस्क है। तो बॉक्साइट एस्क किसका है, तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि इन राज्य में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है। तो इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है, तो 19 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, तो यहाँ पर यानी 20 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, यहाँ पर 21 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खादानों में कौन छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कोरबा में राइट आंसर छत्तीसगढ़ जो है, यानी कौन सा कोयला खादान जो कोरबा यानी छत्तीसगढ़ में, तो कोरबा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिए 22 नंबर, इन पत्तनों में कौन भूमध्य सागर हिंद महासागर पर नहीं है। तो यहाँ पर 22 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, कोलोन। ठीक है, कोलोन में, कोलोन पर नहीं है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस क्षेत्र में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है। तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सिंधु बेसिन में क्या पाई जाए, नगरीय बस्ती पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कैनबरा किस देश की मतलब ये राजधानी है या फिर किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा राजधानी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यानी ऑस्ट्रेलिया में है, ओके। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मेगा सिटी की जनसंख्या होती है। तो मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है, तो 25 नंबर का राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी 1 करोड़ से अधिक होती है, 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पूर्वी तट पर स्थित है, तो तूतीकोरिन हो जाएगा। ठीक है, ओके, डी नंबर। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इन राज्य में किसमें सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है। तो देखिए कौन सा राज्य में सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है, तो 27 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में रबी फसल नहीं है। तो बिहार में कौन रबी फसल नहीं है, तो 28 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, चावल जो है ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 29 नंबर कह रहा है कि दामोदर घाटी संबंधित है। तो दामोदर घाटी संबंधित किससे संबंधित, 29 नंबर का राइट आंसर ए नंबर नहीं, कोयला से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बालाघाट प्रसिद्ध है। तो बालाघाट किससे प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नहीं मैग्नीज के लिए, क्या है, मैग्नीज के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, करेगी कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, करेगी निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, बोकारो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोकारो, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, करेगी इसको का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो इसको का यानी राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1972 से 73 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो, 34 नंबर, राजधानी चैनल डाक किस रंग से संबंधित है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी पीला राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर पीला। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या बोल रहा है, करेगी कोंकण रेलवे की कुल कितनी लंबाई है। तो कोंकण रेलवे की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो इसका यानी 35 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 760 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर, धान जो है ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, चलिए
अब देखेंगे आगे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनमें से धान को बोलते हैं कि रोपण फसल है। देखिए एक जाति होता है यानी धान जो है रोपा जाता है, लेकिन बहुत यानी यहाँ पर जैसे गन्ना है इसको रोपा जाता है, उसको कपास रोपा जाता है, कॉफ़ी रोपा जाता है, बट धान जो है ये कैटेगरी यानी रोपण कैटेगरी में नहीं आता है। सो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग धान को टिक मत कीजिएगा। ओके, अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, हीरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग गूगल में आप लोग अगर टाइप नहीं किए हैं अभी तक bbphelp.com तो टाइप कीजिए और वहाँ पर जाना है आप लोग को, सारा सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, उसके बाद जो है मॉडल पेपर मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी तरीके से तैयारी करके जो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और अगर जो सब्जेक्ट का अगर मैं नहीं अपडेट किया हूँ तो आप लोग बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में कि इस सब्जेक्ट का जो अपडेट कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए अपडेट कर दूंगा। ओके, चलिए तो अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 38 नंबर कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था, राइट आंसर क्या है, 1950 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, डिगबोई किस राज्य में स्थित है। तो डिगबोई जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर जाएगा, यानी असम में स्थित है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, किस झील के चारों ओर विकसित गाँव का प्रतिरूप होता है। किस झील के चारों ओर जो विकसित गांव का प्रतिरूप होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का ए नंबर, निहारिका हो जाएगा। ठीक है, निहारिका ए नंबर। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोल रहा है, ट्रक फार्मिंग में डैश की कृषि की जाती है। तो किसकी कृषि की जाती है, तो इसका 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सब्जी की कृषि की जाती है। यहाँ पर सब्जी हो जाएगा, ट्रक फार्मिंग में क्या कह जाती है, सब्जी की कृषि की जाती है। ठीक है जी हाँ, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संसार के अधिकांश पत्तन है। तो संसार के अधिकांश पत्तन जो है कैसा है, यहाँ पर डैश में क्या लगेगा, डैश है। तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, विस्तृत है। ठीक है, यानी संसार के अधिकांश जो है पत्तन है वो विस्तृत है। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या किया, 42 क्वेश्चन को कवर किया है, लेकिन अभी जो है न्यू पैटर्न के आधारित आप लोग कितना है, 70 क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग को जो है 35 का जवाब देने हैं। ठीक है, तो 35 का जवाब हम लोग यहाँ क्या किए कि यानी जो पुराना मॉडल सेट था, ये मॉडल सेट बिल्कुल न्यू पैटर्न पर, और सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जाँच कर लेना है। डिस्क्रिप्शन जाँच करके आप लोग देखिए, अगर डिस्क्रिप्शन जाँच नहीं करेंगे तो आप लोग को गूगल में लिखना है bbphelp.com लिख दीजिए, और यहां से आप जो पूरी तरीके से सारा सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल अपने मर्जी से जब चाहें तब जो है आप वहां से सब्जेक्ट का जो है सभी सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर मैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।